दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में हुए एक इंटरेस्टिंग वोट को लेकर है, जहां पर अमेरिका और भारत इसराइल के मामले पर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ नजर आए। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके साथ खराब रिश्ते के बावजूद भारत ने ये साबित कर दिया कि क्यों भारत एक महान देश है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसमें 42 सदस्य देश हैं, जहां पर फिलिस्तीन को लेकर एक वोटिंग चल रही थी, जिसमें इस बात का फैसला होना था कि फिलिस्तीन के लोगों के पास आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है, जिसके तहत वे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पास अपना एक आजाद देश होना चाहिए या फिर नहीं। इस मामले पर वोटिंग हुई और 42 देश में भारत वह था जिसने फिलिस्तीन के इस अधिकार का समर्थन किया, जबकि हैरानी तो तब हुई जब अमेरिका इस वोटिंग के खिलाफ खड़ा रहा और अमेरिका ने इसमें फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया। अमेरिका के अलावा परागुआ एकलौता ऐसा देश है जिसने इस वोटिंग पर फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि दुनिया में लोकतंत्र का झंडा उठाकर चलने वाला अमेरिका फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक राष्ट्र के अधिकार को ही मना कर रहा है, जबकि भारत इसराइल के साथ अपने मजबूत डिफेंस और इकोनॉमिक रिलेशन के बावजूद फिलिस्तीन के लोगों के मानवाधिकार और राष्ट्रवाद का समर्थन करता मिला। दोस्तों फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में लड़ाई तब पूरी तरह से भड़की जब हमास ने इसराइल पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया था, जिसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया। अभी तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और कई मिलियन डॉलर का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। साथ ही फिलिस्तीन के अंदर फूड, वाटर और मेडिसिन की भारी कमी है। लेकिन हालात तो तब ज्यादा बिगड़ने लगे जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में ईरान और लेबनान जैसे देश भी कूदने लगे। कुछ समय पहले ही अमेरिका द्वारा इसराइल को सप्लाई किए गए हथियारों की मदद से इसराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हमला किया और इस मामले में यूनाइटेड नेशन पीसकीपर भी घायल हुए, जिस पर दुनिया भर के देशों की तरफ से क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि आखिर अमेरिका युद्ध को रोकने की बजाय इसराइल को हमेशा मल्टी मिलियन डॉलर के हथियार क्यों सप्लाई कर देता है, जिससे ग्राउंड लेवल पर हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और अब इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद अमेरिका ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक राष्ट्र के अधिकार पर भी मना कर दिया। बता दें कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उसके तहत इसराइल को फिलिस्तीन में कब्जा किए गए हर एक इंच जमीन को छोड़ना होगा, साथ ही नई पूर्वी यरूशलेम को भी आजाद करना होगा और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का अधिकार देना होगा, जिस पर भारत ने हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ खड़ा हुआ। साथ ही परागुआ ने भी अमेरिका का साथ दिया और फिलिस्तीन के अधिकार को रिजेक्ट कर दिया। पर अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पर इस वोटिंग से कुछ भी बदलने नहीं वाला, क्योंकि इसराइल पहले भी ये बात कह चुका है कि वे हमास को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, तब तक ये हमले रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से ईरान भी अब किसी भी वक्त इसराइल पर सीधा हमला कर सकता है और ये सब कुछ मिलकर मिडिल ईस्ट में एक परमाणु युद्ध की संभावना को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे दोस्तों हम सब भारतीय और भारत सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि हम इस लड़ाई में किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत इनडायरेक्टली इसराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत का इस वोटिंग राइट में इसराइल के खिलाफ वोट देना आपके हिसाब से सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि भारत यहां पर वोटिंग से पीछे भी हट सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, जबकि मेरी राय में भारत को वोटिंग से किनारा कर लेना चाहिए था। हालांकि ऐसा करने से अरब देश नाराज हो सकते थे, साथ ही भारत के ऊपर कई तरह के आरोप भी लग जाते कि हम फिलिस्तीन के हक की बात नहीं कर रहे। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत और मालदीव को लेकर है, जिसके तहत भारत ने एक ऐसा एक्शन लिया जो मालदीव को ये बात साबित कर देगा कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान था। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोनों देशों के बीच खराब संबंध के बावजूद भारत सरकार ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि भारत मालदीव को सीमित संख्या में चीनी, गेहूं, चावल और प्याज जैसे एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को अप्रूव कर चुका है। दोस्तों मालदीव हिंद महासागर के बीच में मौजूद है
और इस देश का लैंड एरिया भी ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से मालदीव में खाद्य पदार्थों की ज्यादा खेती नहीं हो सकती और इस तरह के आइटम अक्सर भारत मालदीव को सप्लाई किया करता था। लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भारत के साथ संबंध खराब किया और जाकर चीन की गोद में बैठ गए, तब से भारत ने मालदीव को सप्लाई किए जाने वाले एसेंशियल कमोडिटीज आइटम की सप्लाई को लिमिट कर दिया। हालांकि हमने ऐसा डोमेस्टिक रीजन की वजह से किया था, लेकिन टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण थी और अब दोनों देशों के संबंध इतने खराब हो जाने के बावजूद भारत ने मालदीव को लिमिटेड संख्या में एसेंशियल कमोडिटीज आइटम सप्लाई करने की परमिशन दे दी है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत खराब संबंधों की वजह से भी नहीं चाहता कि मालदीव में मौजूद मासूम लोगों को खान पान की कमी हो। इसके कुछ समय पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से $400 मिलियन से ज्यादा का कर्ज समय पर न चुका पाने की वजह से भारत से डेट रिलीफ की भी गुहार लगाई थी। ऐसे में ये बात तो साफ है कि बिना भारत के मालदीव के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग भी काफी मुश्किल हो चुका है। कारण है कि भारत फिलहाल मालदीव की मदद कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इतना सब कुछ करने के बावजूद भारत का मालदीव को मदद करना सही है नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।